The digital browsing behavior consists of loading a web page, then selecting some action, then we want to do filling out a form and submit the form. So, अभी तक हमने traditional approach follow कर रहे थे, अभी तक जाना है। So, we work in a sequential manner, requesting a one page at a time and have to wait for a server to respond, loading a whole new web page before we continue. So, client एक ही page की request करे, अब वो wait करेगा, अपना माइक ऑन करके बैठ जाएंगे, टिकर 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 लगे, अब पड़ा रहे वेटिंग में। क्या डर है? बावरी पूछ रहा है। तुम लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि जैसे आप कनेक्ट करें आपका माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, जैसे मेरे पास ऑप्शन है आपको ऐसा होता है मोबाइल में नहीं, एप्लीकेशन के अंदर है, जूम में। यस सर, है मोबाइल में भी है, जूम में बढ़िया एक ऑप्शन होता है कि मैंने तो कर रखा है कि जैसे ही मैं लॉग इन करूँ मेरा माइक ऑफ हो जाए, मेरा वीडियो ऑफ हो जाए, जूम ऐसा ऑप्शन देता है। तो आप उसे सेलेक्ट कर लो भाई, जैसे आप लॉगिन करो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो भी डिसेबल कर दे और आपका माइक भी, तो जब जरूरत पड़े आप खुद क्लिक करके एनेबल कर लो एक सेकंड में। सर आपका ऑप्शन है, सारे के सारे गधेड़े आएंगे झटका सब ऑन करते ही सबके झटका झटका चक्कर झटका चक्कर झटका शुरू हो जाएगा। ये तो महीने भर डेढ़ महीना हो गया, 25 मार्च से क्लास हो रही है, 25 अप्रैल निकल गया, 25 मई आने वाला है। आपको आदत पड़ जाना चाहिए कि अपना माइक ऑफ करके रखो, पूछना हो ऑन कर लो, कोई मना नहीं। सो देखो, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वेब पेजेस वेयर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर जनरली रिक्वायर्स अ न्यू पेज टू बी लोडेड। और अभी तक हम नया पेज तो बना रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट वन ऑफ वे टू कट डाउन द क्लाइंट सर्वर रेस्पॉन्स टाइम बाय यूजिंग इट टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज सबमिट टू सर्वर। अभी मेरी बात सुन लो, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट देयर वाज नो वे कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वेब सर्वर। ठीक है, हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं जा सकते, जो आप एड्रेस के थ्रू जा रहा, चलिए जरा इसे नोट डाउन करना। सर आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। Until recently, we did not have any alternate to this load, wait, response method of web browsing. Now, AJAX is means of using a JavaScript to communicate with a web server without submitting a form or loading a new page. वो फायदे होता है, हमने तुमको दोनों का दोनों यहीं आ गया। AJAX makes a The use of building object XML HTTP request. तो इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक बना बना रेडीमेड ऑब्जेक्ट दे दिया, ये XML HTTP request, जिसके थ्रू AJAX की सारी फंक्शनलिटी यूज करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम AJAX से रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गेट द पार्ट ऑफ आम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल स्टैंडर्ड, बट इज सपोर्टेड बाय फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, अब सारे OS इसे, सारे ब्राउजर इसे सपोर्ट करते हैं। The term AJAX was coined in 2005, but HTML request object was first supported by Internet Explorer 7 years before. But पहले Internet Explorer ने ये दे दिया था, पर ये use नहीं करते थे। पर जब Google इसे लेके आया, तब ये popular हुआ। तो फिलहाल अभी ये यहाँ से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट यूज करना। कौन सी बैच वाली?
तेरी बात कर रहा था। तेरा नाम क्या है? मेरा हेमा। क्या नाम है? हेमा। आ हेमा, ज्यादा ले। अरे गुड़िया एक काम करियो, हमारा कर दे फटाफट। आपके पास ना मेरे RMI के नोट्स होंगे, याद है? यस सर। बेटिया उसको कैम स्कैन से करके PDF में कन्वर्ट करके दे देगा। मेरे ना सारे रजिस्टर वहां पे रखे हैं बेटे। ठीक है। तो कैम स्कैन करके ना मेरे मेल आईडी को भेज दियो, मैं तुम्हें मेल राइट कर दूंगा। आज तो PDF बना ले कैम स्कैन से। ठीक है सर। सर ये भी तो पढ़ा था यार। हां सारी थ्योरी है ना, जैसे GSP की थी मेरे पास, याद है? इसे मैंने देती पढ़ाई। हां तो ऐसे ही मुझे RMI के सारे नोट्स बना के दे, जितने मेरे थ्योरी प्रोग्राम थे ना सारे। जी सर। तो कैम स्कैनर से स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके भेज दे, जिससे मुझे बच्चों को लिखवाने में आसानी होगी। ठीक है। क्योंकि वो बिना लिखवाए ना सर समझ नहीं आएगा। जी वो भेज दो बेटे मेरे पास। ठीक है, आज बना ले, कल मुझे बता दियो, मगर को मेल आएगी देखने। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू बेटा। Ajax stands for asynchronous JavaScript and XML. The word asynchronous means that the user is not left waiting for the server response and not to a request, but can continue using the web page. अब Ajax कैसे काम करता है इस बारे में? How Ajax works? A JavaScript creates an object. हम ये एक object बनाते हैं. Initialize it with the relevant information as necessary. इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जो भी डेटा हमें सर्वर पे भेजना होता है। एंड देन वी सेंड दिस ऑब्जेक्ट टू द सर्वर एंड सेंड इट टू द सर्वर। फिर जावास्क्रिप्ट कैन कंटिन्यू आफ्टर सेंडिंग इट टू द सर्वर। इसे भेजने के बाद जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू हो जाती है और वो वेट करने लगती है वहां से आने वाले सर्वर के रेस्पॉन्स का। द सर्वर रेस्पॉन्स By sending the content of a file or output of a server-side program, चाहे वो PHP में हो, JSP में हो, servlet में हो, और भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर now when the response arrives from the server, a JavaScript function is triggered to add the data supplied by the server. होता क्या है बेटे, हमने एक ये XML HTTP request भेज दिया। अब इसको भेजने के बाद हमारा जो जावास्क्रिप्ट है कि जैसे सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा भाई ये फंक्शन चला दिए, जावास्क्रिप्ट को फंक्शन चला देगी, उसके अंदर वो सारा डेटा आप गेट कर लोगे अच्छे से जो एज ए रिस्पॉन्स आया होता है, और नीचे HTML के डब्बों में आप उसे शो कर दे। जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स फंक्शन टिपिकली रिफ्रेशेस द डिस्प्ले। रिफ्रेशेस मतलब नीचे डिस्प्ले जहां पे HTML है वहां पे यूजिंग द डॉम अवॉइडिंग द रिक्वायरमेंट टू रीलोड और रिफ्रेश। अभी तो पूछ रहा था ना, रिफ्रेश भी नहीं करना, रीलोड भी नहीं करना होता एंटायर। ऐसे काम करता है हमारा Ajax। जरा पेपर पे फिल आउट काम करिए जल्दी। ये हमारे पास जो HTTP XML HTTP उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इनमें से पहली आती है रेडी स्टेट, और इसी से हम ये पता लगाते हैं कि जो रेस्पॉन्स है वहां से चला है नहीं चला है, हमारे पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसकी ना पांच वैल्यू होती है, 0 से लेकर 4 तक। 0 का मतलब है स्टार्ट हो गया है, 1 का मतलब ऑन द वे है, और जब 4 इसमें आ जाता है इसका मतलब है वहां से रेस्पॉन्स सक्सेसफुली हमारे पास पहुंच। इसका मतलब वहां से सक्सेसफुली हमारे पास रेस्पॉन्स पहुंच चुका है। तो इसी से हम अपने रेस्पॉन्स का स्टेटस चेक करते रहते हैं, और इसी पर्टिकुलर स्टेट पे हम अपना एक फंक्शन चला देते हैं और कह देते हैं कि भाई जैसी 4 हो रेस्पॉन्स, इसकी स्टेट 4 हो, ये काम हो जाए। इससे हम एक फंक्शन को अटैच कर देते हैं। वो करते कैसे हैं, वो यहां से ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका हम एक्चुअली में फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो होता क्या, जैसी स्टेट चेंज होती है, रेडी स्टेट 0 से 1 हुई तो ऑन रेडी स्टेट चेंज पे जो हमने फंक्शन अटैच कर रखा था वो कॉल हो जाएगा। जैसी 1 होगी तो भी कॉल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, फटाफट जैसे तैसे रेडी स्टेट के अंदर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ऑन रेडी स्टेट पे जो हमने फंक्शन कॉल कर रखा था वो कॉल होता रहेगा।
तो अदर ने कॉल किया तो पांच स्टेट है, तो पांच बार ये फंक्शन चलेगा। पर उसके अंदर ना इफ लगा रखी है कि अगर एनी स्टेट फोर है तो ही काम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो ये दो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रेडी स्टेट में वैल्यू चेंज होती रहती है जिस समय स्टेट पता लगती रहती है रेस्पॉन्स की, और जैसे जैसे स्टेट चेंज होती रहती है ऑन रेडी स्टेट के अंदर जो आपने फंक्शन कॉल कर रखा होता है वो एग्जीक्यूट होता चला जाता है। रेस्पॉन्स टेक्स वहां से जो जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो इस प्रॉपर्टी से सारा रिटर्न निकाल लो। अगर रेस्पॉन्स एक्सएमएल के फॉर्म में आया तो इससे निकाल लो। वहां से जो स्टेटस आया, याद है ना रेस्पॉन्स का स्टेटस भी होता है 200 ओके के लिए होता है, 404 एरर, जो भी वो नंबर आएगा वो इससे पता लगा लो। और स्टेटस का जो टेक्स्ट है पेज नॉट फाउंड 404 एरर जो आता जैसे आता इंटरनल सर्वर एरर, वो टेक्स्ट आप इस प्रॉपर्टी से गेट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम यूज भी इसी को करते हैं। ठीक, so we use ready state to determine when the request has been completed and then check the status to see execute without an error or not. तो हम ये सारी properties check करते रहते हैं इसकी और अपना value निकालते रहते हैं। तो आप ये देखिए मॉडल कैसे, ये तो हम अपना यूज कर रहे थे, और तब यह रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आती है। सर्वर से जो डेटा आता है वो एक्सएमएल के फॉर्म में आता है एजेक्स इंजन के पास, एजेक्स इंजन इसे कन्वर्ट कर देता है एचटीएमएल सीएसएस में और तब जाके यूजर इंटरफेस के पास पहुंचता है। तो ये वर्किंग मॉडल है, क्लासिक मॉडल जिसे हम कहते हैं और एक एजेक्स मॉडल। बना दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा भाई, सारंगी सी बजा रहा कह रहा है। आगे यस सर, यस सर, चलो ये देखो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, ये कुछ मेथड्स हैं हमारे पास इसके XML HTTP रिक्वेस्ट के ओपन, इससे हम एक कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं, गेट से रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट मेथड से यहाँ URL सबमिट को JSP को, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देते हैं, एसिंक्रोनस भेजना या नहीं भेजना है, तो यहाँ हम ट्रू रखते हैं। फिर सेंड से वो रिक्वेस्ट चली जाती है, पैरामीटर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, अबोर्ड से उस रिक्वेस्ट को खत्म करना हो तो खत्म कर सकते हैं, और गेट ऑल रिक्वेस्ट हेडर्स जितने भी हेडर्स वहां से आए हैं वो गेट कर सकते हैं। गेट रिस्पॉन्स हेडर्स, हेडर का नाम दे दो तो पर्टिकुलर हेडर आ जाएगा, हेडर की वैल्यू सेट करनी है तो सेट कर, सबसे ज्यादा हम यही दो मेथड यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। हो गया सर। चलो ये देखो वो सारी मैंने प्रॉपर्टी दोबारा यहाँ एक्सप्लेन की है। ऑन रेडी स्टेट चेंज इवन हैंडलर है ये, दैट फायर्स एट ईच स्टेट चेंजेस, जब जब स्टेट चेंज होगी यहाँ पे वो फंक्शन चला दिया जाएगा। रेडी स्टेट की वैल्यू 0 मतलब अनिशियलाइज, 1 का मतलब लोडिंग, 2 का मतलब लोडेड, 3 का मतलब इंटरैक्टिव, और 4 का मतलब कंप्यूटर। हम 4 सबसे ज्यादा यूज करते हैं। स्टेटस का मतलब इन दोनों के बीच में तो ओके, याद है सारे स्टेटस को लिखवाए थे मैंने सर्वर के अंदर, वो सारे जो रेस्पॉन्स आएगा वो इससे गेट कर लेंगे, एक्सएमएल में रेस्पॉन्स आएगा वो इससे, और स्टेटस का जो मैसेज आ
ठीक, हमने बनाया एक सिंपल सा बटन, बटन के क्लिक पर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं लॉग एक्सएमएल डॉट, बटन का कैप्शन ले दिया, रिक्वेस्ट भेजा, नीचे टैग लगाया देव नाम का, उसका एक याद रखो अगर एक्सएमएल का कोई टैग जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना होता है तो हम उसको आईडी नाम के एट्रीब्यूट में एक वैल्यू दे देते हैं और वैल्यू से उसे एक्सेस करते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वहां से एजेक्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट के पास, तो मैं इस टैग से उसे रिप्लेस कर दूंगा, ये टैग हट जाएगा और उसकी जगह वो सारा रिस्पॉन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके लिए मुझे ये माई डिव यूज करना पड़ेगा। ठीक, सिंगल लाइन रिस्पॉन्स के लिए हम इसे डिव टैग यूज करते हैं, मल्टी लाइन के लिए भी एक और टैग आएगा वो बता रहा हूँ। जैसी आप बटन पे क्लिक मारोगे ये चला, यहाँ ने जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसके टैग शुरू कर दिया और फिर आपने बनाया न्यू एक्सएमएल रिक्वेस्ट, उसका रेफरेंस इसमें ले लिया, फिर आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्रॉपर्टी यूज करी और रेडी स्टेट चेन पे ये फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन 5 बार चलेगा लेकिन इफ लगा रखा है, अगर रेडी स्टेट 4 है, स्टेटस 200 है तो ही वो नीचे आएगा और फिर ये जावास्क्रिप्ट का बना बना आपके डॉक्यूमेंट उसका स्टैटिक मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आईडी का नाम दे दिया, इससे हमें इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है इन एन एचटीएमएल और उसके अंदर वहां से जो रेस्पॉन्स आ रहा था वो किसमें था, रेस्पॉन्स टेक्स्ट में, वो सेट टेक्स्ट है, तो जैसे ही वहां से रेस्पॉन्स आएगा एलिमेंट फोर रेडी स्टेट 4 होगा तो नीचे जो मैंने टैग लगाया था जिन नाम का वो हटाकर इसके रेस्पॉन्स से जो भी भेजा होगा रिप्लेस हो जाएगा, तो ये तो मैंने मेथड डिफाइन कर दिया था, ये अभी चलेगा ना नहीं, ठीक, ये तो तब चलेगा रेस्पॉन्स आना शुरू होगा, तो यहां से ये लाइन चलाने के बाद वो सीधा ओपन पे आया, मैं गेट मेथड से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अपने एक सबमिट को भेजा और सबमिट के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग में पैरामीटर भेज रहा हूँ नेम, दूसरा नेम एसिंक्रोनस कर दिया टू और ये सेंड कर रहा है। अब पीछे मेरा सिंपल सा सबमिट है, ये देखो वही नॉर्मल सबमिट, इसमें कोई वही रिक्वेस्ट जो कैरा पैरामीटर दोनों निकाले हेलो एजेक्स, ये पैरामीटर हेलो विद एजेक्स दोनों और दोनों वैल्यू सेम पेज पे बटन के नीचे आपको नजर आ रहा है। चलो जरा इसे एक्सप्लोरेड फॉर्म में डिप्लॉय करके चला रहा हूं मैं आपको अच्छे से, सबमिट अगर हमें कंपाइल करना है तो चलो कंपाइल कर लेते हैं जरा, तो चेंज कर लेते हैं मैसेज दिया था, जैसे क्लिक मारूंगा इसके ठीक नीचे वो डेटा आएगा सेम आ गया, नहीं आ गया एक सेकंड
तो सर्वर साइड प्रोग्राम में आपने कौन चेंज नहीं करना, आपका सबनेट वैसा का वैसा ही है, सब तो सब सेम पेज पे डेटा है कि नहीं आपका सबका। ठीक चलिए डाल सर, इसके रेस्पॉन्स में इमेजेस और वीडियोस भी आ सकती हैं बेटा। एजेस के रेस्पॉन्स में इमेजेस और वीडियोस भी आ सकती हैं। वो डाउनलोड होते हैं बेटा, जैसे डाउनलोड वाला कोड लिखना पड़ता है। अच्छा, तो सर अगर वेब पेज पे शो करनी हो तो नहीं यूज कर सकते इमेजेस? वेब पेज पे वीडियो वहां शो होती है, फोटो आ जाएगी, रेस्पॉन्स आ जाएगा, डाउनलोड होती है ना इमेज तो बेटा। ठीक है सर, यहाँ से तो डेटा लाने के लिए ये स्पेशल। सर ये जो ये XML स्थिति थी डॉट ओपन करके, इसी वजह से सेम पेज पे खुलता है सर? से कनेक्शन बनाते हैं बेटा। Yeah.